हम सब चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, हेल्दी दिखें, और ग्लोइंग स्किन आपकी हेल्थ के, आपके हैप्पीनेस की एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक देती है। हर किसी की कोशिश रहती है कि हम लोग बहुत हमारी स्किन बहुत वाइब्रेंट दिखे, बहुत रेडियंट दिखे। हम लोग बाहर जाएं तो हमने सब कॉम्प्लीमेंट करें कि हमारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे अहम है वाटर, सबसे अहम है रिहाइड्रेशन। कभी भी अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दीजिए। समर्स में स्पेशली स्किन बहुत स्वेट करती है और हम लोग अंदर इंटरनली बहुत डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप दिन में 1 to 1.5 liters ऑफ वाटर पीजिए। फ्लूइड्स बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी हेल्दी स्किन के लिए कौन कौन से फ्लूइड्स लेने चाहिए। कोकोनट वाटर इज़ नोन टू रिहाइड्रेट योर बॉडी, टू मेंटेन द प्लाज्मा लेवल, द ब्लड प्लाज्मा लेवल, विच कीप्स द बॉडी वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड एंड रिहाइड्रेटेड। कोकोनट वाटर बहुत मिलता है समर्स में। खूब कोकोनट वाटर लीजिए, ठंडाई पीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, लेमन जूस पीजिए, लेकिन शुगर इनटेक सब में कम रखना चाहिए। बैलेंस डाइट में, हेल्दी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक बहुत अहम हिस्सा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको विटामिन ई देते हैं, सिलेनियम देते हैं, बीटा कैरोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जो आपकी स्किन की टिश्यू की एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। समर्स में आप खूब पपाया खाइए जो कैरोटीन में बहुत रिच है, ऑरेंजेस खूब खाइए एंड मैंगोज भी लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम कंपोनेंट्स में, क्योंकि मैंगो में मीठा कंटेंट बहुत ज़्यादा है। बट हाफ अ मैंगो इन अ डे इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू। आप ठंडाई के फॉर्म में सोक्ड आलमंड्स ले सकते हैं, छिले हुए बादाम ले सकती हैं। हेल्दी स्किन के लिए ऑयल भी बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी अडल्ट को 2 या 3 चम्मच ऑयल लेना चाहिए। अगर आपकी खाना बिल्कुल ही उबला हुआ है, बिल्कुल ही ब्लैंड है, देर इज़ नो ऑयल, क्योंकि आप वेट कम करने की कोशिश कर रही हैं, वो हेल्दी नहीं रहेगा। आपकी स्किन बहुत ड्राई रहेगी और आपकी स्किन में ग्लो, आपकी त्वचा में ग्लोइंग ख़त्म हो जाएगी। सो कीप 2 या 3 teaspoons ऑफ ऑयल इन द डे। हल्का खाना बनाइए कम ऑयल में, बटर और घी अवॉइड कर सकती हैं। सारे ऑयल्स हेल्दी हैं, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सो अपना ऑयल रोटेट करते रहिए महीने में, बट कीप 2 या 3 चम्मच ऑयल पूरे दिन में। बिल्कुल उबला हुआ खाना नहीं खाइए। फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। एक नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल कॉमन मैन को डाइटिशियंस और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5 फ्रूट 5 सर्विंग ज़रूर लेने चाहिए, और डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्ड फ्रूट्स लेने चाहिए। एक टाइम पर मैंगो ले लीजिए, एक टाइम पर बनाना ले लीजिए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो एप्पल्स, पपायाज, पेयर, वाटरमेलन समर्स में बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देता है मार्केट में। खूब वाटरमेलन खाइए, उसमें वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बीटा कैरोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है और लाइकोपीन कंटेंट बहुत अच्छा है। लाइकोपीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो बहुत ही रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, जो रेड कलर्ड फ्रूट्स में दिखाई देता है, जैसे कि वाटरमेलन। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है बॉडी में, टू इंटरनली आपकी बॉडी क्लेंज रहे, टॉक्सिन सारे फ्लश आउट हो और आपकी स्किन में हेल्दी ग्लो लाएँ। टू डिटॉक्सिफाई आई सजेस्ट कि हफ्ते में अगर आप फास्ट कर सकती हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल हैं, डायबिटिक नहीं, अगर आपके डॉक्टर ने कोई मना नहीं करा है, तो एक हफ्ते में एक बार एक फास्ट की तरह डिटॉक्सिफाई कीजिए। खूब फ्रूट्स लीजिए उस दिन, खूब सैलड्स खाइए, ग्रीन टी पीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, खूब फ्लूइड्स पीजिए जैसे कि लस्सी, कोकोनट वाटर। बेसिकली आपको राइस, रोटी, दाल, सब्जी अवॉइड करनी है, कुक सब्जी अवॉइड करनी है, स्पाइसेस कम खाने, एंड उससे आपके बॉडीज के सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे एंड इट शोज़ ऑन योर स्किन। स्लीप, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन हेल्थ। ट्राई एंड मेंटेन इन 8 and 9 hours ऑफ गुड नाइट स्लीप। आपकी बॉडी रिपेयर होती है, डी स्ट्रेस होती है, काम डाउन होती है एंड इट शोज रियली रियली वेल ऑन द स्किन। एक्सरसाइज इज़ रियली रियली गुड फॉर हेल्दी स्किन। एक्सरसाइज एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे इंडोफिन्स कहते हैं, फील गुड हार्मोन्स कहते हैं। जितने आपके बॉडी में इंडोफिन्स प्रोड्यूस होंगे, हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, आप उतनी हेल्दी दिखेंगी। मार्केट में आजकल हम लोग एलोवेरा के बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, बहुत डाइट एक्सपर्ट्स भी कहते हैं एलोवेरा इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। आप एलोवेरा का जूस कंज्यूम कर सकती हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, अदरवाइज फ्रेश एलोवेरा लीव्स को आप अप्लाई कर सकती हैं टू क्लेंज योर स्किन, टू मॉइस्चराइज योर स्किन। अगर आपको एलोवेरा से एलर्जीज नहीं है, अगर आपकी स्किन एक्सेप्ट करती है, यू कैन स्क्रब योर एलोवेरा ओवर योर फेस एज अ फेशियल मास्क। इट रिहाइड्रेट्स योर स्किन एंड आपकी स्किन को क्लेंस करके एक हेल्दी ग्लो लाती हैं। बिसाइड्स दैट आई वुड सजेस्ट कि योगा कीजिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। अगर एंजाइटी है लाइफ में, अगर कुछ स्ट्रेस
है भी लाइफ में तो ट्राई टू फाइंड अ सोर्स टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव दैट विल शो ऑन योर स्किन यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ एंड अ हेल्दी स्किन वुड डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस.